फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि अकेला मार्टिन ही बचता है जो जल्दी से आके गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन उसकी जेब से एक गोल्डन कॉइन गिर जाता है कि तभी वहाँ कर्नल सेयर आ जाता है जो मार्टिन की गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और उसकी गर्दन दबा लेता है कि तभी वहाँ बहुत सारे जॉम्बीज आ जाते हैं। पर मार्टिन खुद को बचाने के लिए अपनी गाड़ी भगा लेता है जिससे सारे जॉम्बीज गिर जाती है सिवाय कर्नल के जो अभी भी मार्टिन की गाड़ी से लटका होता है कि तभी सामने से एक ट्रक आता है जो कर्नल को उड़ा देता है और कर्नल का हाथ मार्टिन की गाड़ी में ही रह जाता है। अब ट्रक ड्राइवर को लगता है कि ये कोई शरीफ आदमी मरा है तो इसलिए वो उतर के अपनी गाड़ी से कर्नल सेयर को देखने आता है, पर कर्नल अभी भी जिंदा था जो अपने दूसरे हाथ से उस ट्रक ड्राइवर को मार देता है। इधर मार्टिन को गाड़ी चलाते हुए नींद आने लगती है जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है जहां उसके सामने एक डॉक्टर और एक पुलिस वाला होता है। अब पुलिस वाला मार्टिन से इन्वेस्टिगेशन करता है और काफी सारे क्वेश्चन पूछता है, पर मार्टिन उन सभी क्वेश्चन के बिल्कुल करेक्ट आंसर देता है, लेकिन पुलिस वाले को मार्टिन की एक भी बात पे यकीन नहीं होता तो इसलिए वो उन सभी मर्डर्स का जिम्मेदार मार्टिन को मानता है। और अब जिस डॉक्टर ने मार्टिन का ट्रीटमेंट किया था वो उसे बताता है, हेलो गुड बॉय, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा हाथ कट गया था, लेकिन ये अच्छा है कि तुम्हारा हाथ तुम्हारी गाड़ी में पड़ा था तो इसलिए हमने वो हाथ तुम्हारा दोबारा से जोड़ दिया है। अब ये सुनते ही मार्टिन जल्दी से अपना हाथ देखता है, वो देखता है कि ये हाथ उसका नहीं बल्कि जॉम्बी कर्नल सेयर का था। पर तभी मार्टिन डॉक्टर को बताता कि ये हाथ मेरा नहीं है, लेकिन तभी वो हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो डॉक्टर और पुलिस वालों को सबको मारने लगता है, लेकिन जैसे तैसे करके ये सभी लोग उस पे कंट्रोल करते हैं और डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। इधर कर्नल ने अपनी टीम को एक पॉपुलेशन वाली सिटी में एंटर करने को बोल दिया था जहां ये लोग एक घर में घुस जाते हैं और उस घर के सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। अब कर्नल का भी हाथ कटा होता है तो इसलिए वो अपने ज़ॉम्बी डॉक्टर से एक हाथ लगवा लेता है, पर ये हाथ मार्टिन का होता है जो कट के बर्फ में पड़ा हुआ था। अब कर्नल की पावर का चमत्कार तो ये है कि जैसे ही डॉक्टर उस हाथ को कर्नल की बाजू के पास लेके जाता है वो हाथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। अब कर्नल अपनी फौज को लेकर एक कब्रिस्तान में जाता है जहां जर्मन सोल्जर्स की बॉडी दफन होती है। अब ये उन सबको जिंदा करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं होते, तो डॉक्टर कर्नल को सजेशन देता है कि अगर हमें इन सभी लोगों को जिंदा करना है तो हमें नई और फ्रेश डेड बॉडी चाहिए होगी, जिसके बाद कर्नल पास ही एक चर्च में जाता है और वहाँ एक आदमी को मार देता है और जैसे ही वो जान से मर जाता है उसके बाद वो उसके फेस पे अपना हाथ रखता है जिससे वो आदमी दोबारा से जिंदा हो जाता है और ये आदमी भी कर्नल की फौज में शामिल हो जाता है। और इधर हम मार्टिन को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल के बेड से बहुत ज्यादा टाइट बांधा हुआ था और उस पर नजर रखने वाला पुलिस वाला भी बाहर सो रहा होता है। अब इधर मार्टिन अपनी पूरी ताकत से खुद को खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खोल पाता कि तभी उसके सामने चुपके से एक बच्चा आता है जो मार्टिन के हाथ की फोटो देख के उसके हाथ की फोटो क्लिक करता है और उसे ज़ॉम्बी स्क्वाड को भेज देता है जिनका काम बस ज़ॉम्बी को ढूंढना और उन्हें मारना होता था। अब मार्टिन उस बच्चे को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाता है तो बच्चा ही होता है तो इसलिए वो मार्टिन को खोल देता है। अब खोलते ही मार्टिन का हाथ अपने आप ही काबू से बाहर हो जाता है और वो बच्चे को बाहर फेंक देता है। अब मार्टिन को ये बहुत बुरा लगता है तो इसलिए वो उस बच्चे को नीचे देखने जाता है, लेकिन ये बच्चा इधर बेहोश होता है तो इसलिए मार्टिन उस बच्चे के चेस्ट पर प्रेस करता है ताकि वो उसमें आ सके, लेकिन प्रेस करते करते वो इतनी तेज प्रेस करता है कि उसका हाथ बच्चे के पेट के अंदर चला जाता है, मतलब आत्मियां बाहर आ जाती हैं। लेकिन ये चीज वो पुलिस वाला देख ले तो इसलिए वो पुलिस वाला जल्दी से बाहर आता है और मार्टिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन पास ही खड़ी मर्सिडीज गाड़ी का लोगो खींच के उस पुलिस वाले की तरफ फेंक के मारता और गड़ जाता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब मार्टिन इस गाड़ी में बैठता और फरार हो जाता है, लेकिन गलती से उसके पास उसी बच्चे का फोन रह गया था जिस पे ज़ॉम्बी स्क्वाड वाले का कॉल आता है, तो मार्टिन उन्हें उन ज़ॉम्बीज के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। अब वे लोग मार्टिन को बोलते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करने आ रहे हैं, पर तब तक तुम उन ज़ॉम्बीज के पास जाओ और उनसे ये पता लगाने की कोशिश करो कि वो लोग चाहते क्या है, वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। इस ज़ॉम्बी स्क्वाड टीम का लीडर डेनियल होता है और उसके असिस्टेंट का नाम मोनिका और ब्लैक होता है, जिसके बाद ये लोग मार्टिन के फोन के थ्रू उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं, पर उस तक जाने से पहले ये लोग उसे और सभी ज़ॉम्बीज को मारने के लिए असला बारूद खरीद लेते हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी जिंदा ना बचे। इधर मार्टिन भी वर्ल्ड वार 2 के म्यूजियम में पहुंच जाता है जहां एक आदमी होता है, तो अब मार्टिन उस आदमी से गुस्से में जनरल सेयर के बारे में पूछता है, तो ये आदमी बताता है कि हिटलर जो कि उन ज़ॉम्बीज का किंग था उसने जनरल सेयर को एक काम दिया था, उस टास्क में कर्नल को एक गांव को पूरी तरह से खत्म करना था और इस गांव का नाम टेल्विक होता है, पर ये सभी लोग टेल्विक पहुंचते उससे पहले ही ऑक्सफोर्ड के लोगों ने उन सबको मार डाला। इससे मार्टिन समझ जाता है कि ये सब कुछ वो लोग हिटलर के ऑर्डर को पूरा करने के लिए कर रहे हैं जो कि अभी तक वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। जिसके बाद मार्टिन एक मैप को देखता है और वो देखता है टेल्विक गांव की जमीन पर बना है कि उसी दौरान मार्टिन को बाहर से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही मार्टिन बाहर देखता है उसे वहां कर्नल सेयर और उसकी पूरी टीम दिखाई देती है जो वहां के लोगों को मार रहे थे, और इस बार कर्नल अपने साथ कुछ टैंक भी लेके आया था कि तभी ये लोग एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारते हैं, मतलब ये लोग उसके पेट में हाथ डाल के उसकी
आतड़ियां बाहर निकाल देते हैं। अब कर्नल और उसके आदमी इस म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं, पर इससे पहले ही मार्टिन और इस म्यूजियम का क्लर्क अपनी जान बचाने के लिए एक स्टैचू बनके खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद कर्नल वो मैप और जरूरत की सारी चीजें वहां से लेके निकल जाती हैं। जिसके बाद मार्टिन और वो क्लर्क भी बाहर आता है, जहां वो देखता है कि अब कोई नहीं है सिवाय 2-3 ज़ॉम्बीज के, तो इसलिए मार्टिन अपने हाथ का यूज करते हुए उन सभी को मार देता है। जिसके बाद मार्टिन मरे हुए एक आदमी के फेस पे अपना हाथ रखता है, जिससे वो दोबारा जिंदा हो जाता है और मार्टिन उसे दोबारा से मार देता है। अब मार्टिन समझ चुका था कि वो भी मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। तो इसलिए वो दोबारा से उसी आदमी को जिंदा करता है, पर तभी पता नहीं कहां से एक कुल्हाड़ी आती है जो उस आदमी के सीधे माथे में लगती है और वो दोबारा मर जाता है। लेकिन ये कुल्हाड़ी ज़ॉम्बी स्क्वाड टीम के डैनियल ने मारी थी। जिसके बाद मार्टिन स्क्वाड टीम को अपने हाथ की पावर दिखाता है, मतलब वो उस मरे हुए आदमी को दोबारा से जिंदा कर देता है। तो इसलिए डैनियल मार्टिन को बोलता है कि तुम कर्नल से ऐसे लड़ने के लिए अपनी एक टीम बनाओ, अपनी एक फौज बनाओ। साथ ही डैनियल ये भी बताता है कि कुछ रशियन सोल्जर्स को कर्नल सेयर ने मरवा दिया था, जिनकी लाशें आज भी बर्फीली पहाड़ियों में दफन, तो इसलिए तुम जाके उन सभी को अपने हाथ से दोबारा जगा दो, ताकि तुम्हारी एक फौज एक आर्मी तैयार हो जाए और फिर हम भी कर्नल सेयर और उसके आदमी को मार सकें। अब मार्टिन डैनियल अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वो मोनिका ब्लैक और ग्लेन को कर्नल और उसकी फौज को संभालने के लिए यहाँ छोड़ जाते हैं, ताकि वो उनको यहाँ उलझाए रखें। इधर कर्नल भी अपना टैंक लेके आगे बढ़ रहा था, जो बीच में आने वाले सभी लोगों को कुचलता जा रहा था। जिसके बाद ये तीनों लोग प्लान बनाते हैं कि ग्लेन तुम यहाँ से दूर जाना, ताकि काफी सारे ज़ॉम्बीज तुम्हारे पीछे आएंगे और हम उन्हें बम से उड़ा देंगे। तो ग्लेन ऐसा ही करता है, वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज के सामने से भागते हुए दूर जाता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज ग्लेन को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तो इधर मोनिका और ब्लैक अपने प्लान के अनुसार इन ज़ॉम्बीज को उड़ा देती है, मतलब मार देती है। जिसके बाद कर्नल सेयर इन तीनों को मारने के लिए अपने टैंक का मुंह इनकी तरफ करता है और काफी सारे गोले इनकी तरफ छोड़ता है, जिससे कर्नल को लगता है कि वो मर चुके हैं, लेकिन ये बच्चे होते हैं। इधर मार्टिन और डैनियल वहां पहुंच चुके थे, जहां रशियन बॉडीज दफन होती हैं। जिसके बाद मार्टिन का हाथ अपना काम करना शुरू करता है, जिससे वहाँ दफन सारे डेड बॉडीज एक एक करके जिंदा हो जाती हैं, और ये सभी लोग मार्टिन को अपना लीडर मान रहे थे, मतलब जैसा मार्टिन उनसे कहेगा ये लोग वैसा ही करेंगे। इधर जनरल सेयर अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहा था कि सुबह होते हो मार्टिन और डैनियल अपनी पूरी रशियन फौज के साथ इनके सामने खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद मार्टिन जनरल सेयर को अपना हाथ दिखाता है, लेकिन इस फौज का एक कमांडर जो कि बस जनरल सेयर को ही देख रहा था, क्योंकि ये बस जनरल सेयर को मार के अपनी मौत का बदला लेना चाहता था। जिसके बाद ये दोनों सेना एक दूसरे पर टूट पड़ती है, लेकिन इसका कमांडर वो बस जनरल सेयर की तरफ बढ़ता है और उन तक पहुंचने के लिए जितने भी ज़ॉम्बीज बीच में आते हैं ये सबको मारता जाता है। अब ये सारी लड़ाई रोकने के लिए पुलिस वाले भी वहां आ जाती हैं, लेकिन गाड़ी से उतरने से पहले वो देखते हैं कि एक टैंक उनकी तरफ ही आ रहा है, तो इसलिए वो उतर के भाग जाते और जाके एक घर में छुप जाती है। और इधर ये टैंक भी उन गाड़ियों पर चढ़ चुका था। जिसके बाद मार्टिन डैनियल से बोलता है कि तुम जल्दी से जाओ और उस टैंक को जाके अपने कंट्रोल में लो। और इधर जनरल सेयर और उस कमांडर की फाइट चालू हो चुकी थी, और तब तक मोनिका ब्लैक और ग्लेन भी यहाँ आ चुके थे। और हम देखते हैं कि मार्टिन की टीम काफी मजबूत है, जो कि अब जंग जीतने वाले ही थे। लेकिन जनरल सेयर का डॉक्टर अपने घायल सैनिकों की मलम पट्टी करके उन्हें दोबारा से लड़ने लायक बना रहा था, और इधर रशियन कमांडर जनरल सेयर को मारने वाला ही होता है कि तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी कमांडर पे कुल्हाड़ी से प्रहार करता है और कमांडर मर जाता है। अब कमांडर के मरते ही जनरल सेयर की टीम मजबूत हो जाती है, तो इसलिए ये सभी लोग प्लान बनाते हैं कि हम जनरल सेयर को मार दें तो ये ज़ॉम्बीज ऑटोमेटिक ही मर जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा ना सोचते हुए मार्टिन जनरल सेयर पे अटैक कर देता है, लेकिन जनरल सेयर मार्टिन को बहुत मारता है, लेकिन मार्टिन पे भी जनरल सेयर का हाथ होता है, तो इसलिए वो भी जनरल सेयर को धो देता है। और इधर टैंक में डैनियल दो ज़ॉम्बीज को मार देता है। अब मार्टिन और जनरल लड़ते लड़ते उस टैंक पे चढ़ जाते हैं, और इधर ये छोटे मोटे सभी प्यादे मतलब जर्मन और रशियन अपनी पूरी शिद्दत के साथ लड़ रहे थे, लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज मोनिका और ब्लैक को घेर लेते हैं। और इधर टैंक पे मार्टिन और जनरल सेयर की लड़ाई चली रही थी कि जनरल सेयर मार्टिन को उठा के एक गाड़ी पे फेंक देता है, कि तभी डैनियल उस टैंक का मुंह मोड़ के जनरल सेयर की तरफ घुमा देता है और फायर कर देता है, जिससे जनरल सेयर का सर धड़ से अलग हो जाता है। और उसके मरते ही इधर उसकी पूरी फौज भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, और मोनिका और ब्लैक बच जाते हैं, और इस तरह ये लोग जंग जीत जाते हैं और खुश होते हैं। अब स्क्वाड टीम वहां से चली जाती है, और इधर मार्टिन भी एक गाड़ी में बैठ के एक कब्रिस्तान जाता है, जहां वो हीना की कब्र खोदता है और उसे बाहर निकालता है और उस पे अपना हाथ
हाथ रख के उसे जिंदा कर देता है, जिसके बाद जनरल सेयर के डॉक्टर को जनरल का कटा हुआ सिर मिलता है जो अभी भी जिंदा था। तो इससे ये पता चलता है कि इस मूवी का पार्ट 3 भी आ सकता है और इस मूवी का इसी सीन के साथ एंड होता है। सो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके बताओ, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करें बस चैनल को सब्सक्राइब करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।